नमस्कार दर्शकों, इंडियन न्यूज आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हम आपको राज्य सरकार द्वारा सीलिंग की गई भूमि किस तरह बेची गई और इसमें कौन कौन शामिल है और किस तरह इस सीलिंग भूमि की रजिस्ट्री हो गई, इसमें कौन शामिल है, हम आपको सब बताने जा रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम खुलासे में। बताया था कि सीलिंग भूमि की रजिस्ट्री की गई। आज आपको बताएंगे कि इस जमीन का फर्जीवाड़ा कैसे होता है। कोहका कुरुद में ऐसी ही बहुत सी भूमि है जो शासकीय और सीलिंग की है, जिस पर भूमाफिया की नजर है और अपने स्वार्थ के कारण कूट रचना कर पहले तो जमीन पर कब्जा जमाया जाता है, फिर उस जमीन की रजिस्ट्री की जाती है। इसमें कौन कौन लोग शामिल है हम आपको बताएंगे परत दर परत। उसके पहले आपको बता दें कि इस फर्जीवाड़े की शिकायत भी की जाती है, लेकिन जांच में जुटे अधिकारी जांच से क्यों कन्नी काट लेते हैं यह समझ से परे है। सालों की जांच आधी अधूरी क्यों पूरी रह जाती है यह भी एक बड़ा प्रश्न है। सुपेला और स्मृति नगर थानों सहित राजस्व में कई मामले लंबित पड़े हैं, जिसकी जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई। पीड़ित आज भी तहसील और थानों के चक्कर लगा रहे हैं। ये प्रकरण ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के साथ बीएसपी के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यह पहले जमीन लेके रखी हुई थी, उनकी डेथ हो गई, उनके परिवारों वालों को ज़मीन का पता नहीं था, तो ज़मीन दलालों ने इस तरह के मामलों में बहुत सा फ़ायदा उठाया। लोग आज भी पेपर लेके घूम रहे हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है और हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को न्याय दिलाया जाए, उनकी ज़मीन उनको दिलाई जाए और जो तथाकथित असामाजिक तत्व जो आज से 6-7 साल पहले जिनके घर में खाने के लिए नहीं रहता था, छोटे मोटे काम करते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और जिनके मेहनत का पैसा खून पसीने की कमाई थी लोगों की, वो आज अपना पेपर लेके घूम रहे हैं, उनको जमीन नहीं मिल रही है। खसरा कहीं का जमीन कहीं और की, लेकिन हो जाती है रजिस्ट्री। जिन जिम्मेदार अधिकारियों को सरकार ने इसका दायित्व दिया है वे भी आंख बंद कर रजिस्ट्री कर रहे हैं। दर्जनों शिकायत के बाद भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं होना एक गंभीर सवाल है। अब इन मामलों के सभी पीड़ित आखिर जाए तो जाए कहां? जी, हमने पिछले सोमवार को जनदर्शन के माध्यम से आदरणीय कलेक्टर महोदय जी को शिकायत की थी कि सीलिंग की ज़मीन को दूसरे खसरे पर मौका दूसरा दिखाया जाता है, खसरा नंबर दूसरा रहता है और बिठाकर रजिस्ट्री की जा रही है। कोहका में इस तरह का फर्जीवाड़ा बहुत जगह पर हुआ है और लगभग हर मामले की शिकायत थाना सुपेला और स्पीति नगर में की गई है, लेकिन सारे के सारे मामले पेंडिंग में हैं। समझ से परे है कि सरकारी ज़मीन, अरबों की सरकारी ज़मीन को बेचा गया, किसी भी अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी के कान में जूनी रेंग थी। सुनाई देता है कि नगर निगम भिलाई के जो अधिकारी और नेता है वो 10% और 20% इस तरह के मामलों में 10% 20% की राशि की डायरेक्ट डील करते हैं और मामले को दबा देते हैं, नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती। शहर का जैसे जैसे विकास और शहर विकसित हो रहा है वैसे वैसे जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। भूमाफिया ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने इस धंधे में घुसकर फर्जीवाड़ा कर शासकीय जमीन और राज्य सरकार को चूना लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सन्नी देवांगन के साथ सतीश बौद्ध की रिपोर्ट। इंडियन न्यूज जल्द ही भिलाई शहर में फर्जी तौर से जमीनों की हो रही खरीदी बिक्री का करने जा रहा है बड़ा खुलासा। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।